हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये लो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म बथुए आलू के स्टफ पराठे बनकर तैयार हैं। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बनाना इतना आसान कि झटपट बन भी जाते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखिए, स्टफिंग मैंने की थी। ये देखिए कितने अच्छे से कोने कोने में स्टफिंग हुई है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। आई होप आपने बथुए के पराठे बहुत बार बनाए होंगे। यकीन मानिए, इस तरीके से स्टफ करके अभी तक नहीं बनाए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बथुआ। तो इसको मैंने धो के अच्छे से काट के ले लिया है, बारीक काटा है। और इसकी जो मोटी मोटी डंडियां थी ना, वो मैंने निकाल दी थी और इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे गेहूं का आटा। मैंने 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आप अपने खर्चे के हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये बथुआ। हम बथुआ और आलू का स्टफ पराठा बनाएंगे। और ये मैंने ली है आधा टीस्पून ली है अजवाइन। इसको इस तरीके से लेकर हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छी फ्लेवर आता है और डाइजेस्ट के लिए भी अच्छी होती है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है बेसन। इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी, इसको थोड़ा चटपटा करने के लिए, 1 टीस्पून है लाल मिर्ची पाउडर। और मैं 2 टीस्पून डाल रही हूं सिंपल वाला जो नमक होता है हमारा, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी, आधा टीस्पून है हल्दी। और मैं यहां पे डालूंगी इसमें आधा टीस्पून ही गरम मसाला। इससे क्या होगा, हमारे जो पराठे हैं बहुत ही तीखे चटपटे बनकर तैयार होंगे। और हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ये मैं इसमें ऑयल डाल दे रही हूँ। ऑयल डालने से क्या होगा, हमारे जो पराठे हैं बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने देखिए इस तरीके से अच्छे से मल मल के आटे को मिक्स कर लिया है बथुए के साथ। अब हम इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे। सॉफ्ट डो लगाएंगे, पराठे बनाने के लिए हम हार्ड डो नहीं लगाते हैं, थोड़ा सॉफ्ट डो लगाएंगे। इस तरीके से हम इसमें बीच में ऐसे जगह कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए इतना सॉफ्ट डो है कि इसे इस तरीके से करने से उंगली इसमें गड़ रही है। अब मैं थोड़ा सा तेल लूंगी अपने हाथ पे और इस पे लगाकर इसे चिकना कर लेंगे। हमारा डो रेडी है। अब हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पर। तब तक हम इसमें स्टफिंग करने के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। हमारा तेल गर्म हो गया है। इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा। और जीरे के साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है खड़ा धनिया लिया था, उसको कूट के ले लिया है। इसको भी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे पराठे में। इस स्टेप को आप जरूर करें, मिला देंगे इन्हें। ये भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून है ये मैंने 5 से 6 ली थी लहसुन की कलियां, थोड़ा सा लिया था अदरक और हरी मिर्च कूट के इसको मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको भी इसके साथ भून लेंगे। ये भी हमारा भून गया है। अभी यहाँ पे मैंने 1 ली थी मीडियम साइज की प्याज, बारीक बारीक काट लिया था। इसको भी भून लेंगे। इस तरीके से स्टफिंग बनाने से बहुत ही अच्छे हमारे जो पराठे हैं बनकर तैयार होते हैं। 1 हरी मिर्च है बारीक बारीक काट लिया है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। जो प्याज है हल्की गुलाबी हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच हल्दी और 1.5 छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच डाल रहे हैं हम 1 छोटी चम्मच ही धनिया पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। इन सबको मिक्स कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें हींग। हींग जरूर डालें, हींग से बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आती है, फ्लेवर भी आता है। और मसाले डालते समय आप अपना जो फ्लेम है बिल्कुल कम कर लें और कम पे ही अपने जो सारे मसाले हैं भून लें। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। मेरे जो मसाले हैं भून गए हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिए थे मीडियम साइज के आलू, उनको हाथ से तोड़ के मैंने ले लिया है क्रैश करके। इसमें बहुत मोटे पीस नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा मोटे पीस हम रखेंगे तो क्या होगा, हमारे जो पराठे हैं फट जाते हैं। तो इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे
कटा बारीक हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और नमक मिर्च आप एक बार चेक कर लें, अगर आप को कम लगे तो आप और भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप बिना फ्राई करे ये मसाला जो हमने बनाया है बिना फ्राई करे आलू के पराठे बनाना चाहें बथुए में स्टफ करके, तो आप बिना फ्राई करे भी बना सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी इस तरीके से बनाए तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे टेस्टी बनकर तैयार होंगे, एक बार जरूर ट्राई करें। अब हम अपनी स्टफिंग निकाल लेंगे एक बाउल में और गैस बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने अपनी स्टफिंग एक प्लेट में निकाल दी है, थोड़ी गर्म है, इसको ठंडा होने देंगे। अब हम चेक करेंगे अपना आटा, हमारा आटा भी ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी तोड़ लेंगे लोइयां। जो पराठे हैं आलू के वो थोड़े मतलब जो हम नॉर्मल रोटी या पराठे बनाते हैं उससे थोड़े मोटे बनते हैं, तो आप अपनी हिसाब से बना लें। अगर आपको मोटे पसंद नहीं है तो आप थोड़े पतले भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयां इसकी बनाकर तैयार कर लूंगी। मैंने इस तरीके से देखिए चार लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम लेंगे अपने चकला बेलन, ये मैंने एक पेड़ा उठाया है, इसको अच्छे से आटे में लपेट लेंगे इस तरीके से और इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे हाथ से दबा दबा के। ये देखो मैंने बड़ा कर लिया है। अब मैं इसके अंदर रखूंगी जो अपने स्टफिंग हमने बनाकर तैयार की थी वो। मैंने एक लड्डू जैसा बना लिया है स्टफिंग का, इसके अंदर रख के इसको ऐसे दबा देंगे नीचे और दबाते हुए ऐसे एक कटोरी जैसे इसको शेप देंगे ऐसे इस तरीके से रख के, ये देखिए। और इसको जो स्टफिंग है इसको अंदर की तरफ दबाते जाएंगे और इसको ऐसे करते जाएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे लाके इसको बंद कर देंगे। और यहाँ ये जो हमने ऊपर को किया था इसको इस तरीके से दबा के यहाँ पर जो अपना चकला पे है इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इस तरीके से पहले हाथ से बढ़ाएंगे पराठे को ताकि जो इसके अंदर स्टफिंग है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। हाथ से दबा दबा कर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये पराठे बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं, यकीन मानिए, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करके देखें। अब हमने इसको हाथ से बढ़ा लिया है, अब बेलन की हेल्प से इसको उठा उठा कर बेलेंगे, एक साथ दबाकर नहीं बेलेंगे, ज्यादा दबा के बेलेंगे तो क्या होगा साइड से जो हमारी स्टफिंग है निकल जाती है, इस तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए हमने जो अपना पराठा है बेलकर तैयार कर लिया है। हम अपना पराठा बेल रहे थे तो हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इस पे अपना पराठा डाल देंगे। हमारा जो पराठा है इसको सीखते हुए एक मिनट हो गई और ये देखिए ऊपर से भी जो है इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसको पलट देंगे, ये देखिए इधर से हमारा पराठा सिक गया है, उधर से भी हम एक मिनट तक सेक लेंगे। इधर से भी हमारे पराठे को सिकते हुए लगभग एक मिनट हो गई है, ये मैंने पलटा लिया है, इससे हम इसको पलट देंगे। और अब हम इस पर लगाएंगे घी, मैं इसे यहाँ पे घी से फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल से भी कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको घी से ही बनाएं तो बहुत ही अच्छा भी लगता है और घी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। अच्छे से हम घी लगा देंगे इस पे, अब दूसरी तरफ से पलट के हम घी लगा देंगे, इधर भी घी लगा देंगे हम। देखिए हमारा पराठा फूलने लगा है। एक ही पराठे में आपको दो चीजों का टेस्ट मिलेगा, बथुआ भी और आलू का भी। इसको पलट देंगे, पलटने के बाद इस तरीके से दबा दबा कर दोनों तरफ से सेक लें, इससे क्या होता है हमारा जो पराठा है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। ये देखिए हमारा जो पराठा है कितना क्रिस्पी हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे सेक रही हूँ, इससे क्या होगा हमारा जो पराठा है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए आवाज आ रही है आपको, मोस्टली हमारा पराठा ये देखिए कलर देखिए कितना अच्छा आया है, सिक ही गया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपना दूसरा पराठा बनाकर तैयार करेंगे, इस तरीके से ही हम अपने सारे पराठे बना लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा भी खस्ता पराठा बनकर तैयार है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये निकाल लिया है, ये देखिए हमारे स्टफ बथुआ पराठे बनकर तैयार हैं, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए कितने अच्छे। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा इसमें स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से भरी हुई है, ये देखिए बहुत ही अच्छे हमारे जो पराठे बने हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको मैं सर्व करूँगी यहाँ पे टोमेटो केचप के साथ, आप चाहे तो इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं और दही के साथ भी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं,
रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।